आज की वीडियो को आप सभी बहुत ध्यान से देखिएगा। आज हम जानेंगे गोंद के कुछ ऐसे फ़ायदों के बारे में जिसे आई एम श्योर आप लोग नहीं जानते होंगे। तो चलिए आज के डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं ताकतवर गोंद के बारे में, कैसे आप गोंद के लड्डू को खाकर अपने जोड़ों के दर्द को ठीक कर सकते हो, हड्डियों को मजबूत कर सकते हो और भी बहुत कुछ। इसलिए इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, हो सके तो कॉपी पेन को लेकर के बैठिए। आपको पता है गोंद के अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन पाया जाता है जो कि आपकी हड्डियों को भी मजबूत बनाएगा, और जिन लोगों को जोड़ों में दर्द की प्रॉब्लम रहती है यानी जॉइंट पेन की प्रॉब्लम रहती है, चाहे वो अर्थराइटिस की वजह से हो या एज के साथ हो, उन सभी को गोंद का सेवन करना चाहिए। ऐसा करने से उनके जोड़ों में दर्द की समस्या ठीक होती है और जॉइंट भी लुब्रिकेट रहते हैं। और गोंद का इस्तेमाल उन लोगों को भी करना चाहिए जो लोग अपनी बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ाना चाहते हैं। आज के टाइम पर हर व्यक्ति थका थका रहता है, बॉडी में जान नहीं रहती, मांसपेशियों में दर्द बना रहता है। अगर आप लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहते हो, वो भी नेचुरल तरीके से, तो अपनी डाइट के अंदर ऐसी चीज़ों को शामिल करिए। आपको पता है गोंद के अंदर ऐसे बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, विटामिन्स पाए जाते हैं जो आपकी बॉडी में एनर्जी देंगे। तो गोंद का इस्तेमाल एनर्जी को बढ़ाने के लिए सर्दियों में किया जाता है, क्योंकि इसका नेचर थोड़ा गर्म होता है, जिसकी वजह से ये आपकी बॉडी की हीट को भी बनाए रखेगा और आपको एनर्जेटिक रखेगा। इसके फ़ायदे सिर्फ इतने ही नहीं है, बल्कि इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो चलिए एक एक करके उन फ़ायदों को भी जानते हैं। जो लोग वज़न को बढ़ाना चाहते हैं उन्हें भी गोंद का सेवन करना चाहिए। आप गोंद के और ड्राई फ्रूट के लड्डू बना कर लीजिए। ऐसा करने से आपकी बॉडी में प्रोटीन अच्छी मात्रा में जाएगा, कार्बोहाइड्रेट अच्छी मात्रा में जाएंगे और आपका वज़न बढ़ेगा, वो भी हेल्दी तरीके से। और इसकी सबसे अच्छी बात, ये आपकी स्किन के लिए बहुत अच्छा है। ये आपके बालों को भी शाइनी बनाएगा और आपकी स्किन को भी शाइनी बनाएगा। ये आपके डाइजेशन को स्ट्रॉन्ग बनाता है। जिन लोगों को कब्ज की प्रॉब्लम रहती है उनके लिए भी ये बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें हाई अमाउंट में फाइबर पाया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आप रोज़ होने वाली बीमारियों से बचे रहते हैं। और अगर आपको कोई भी बीमारी है भी तो भी ये आपकी हेल्प करेगा, ये आपकी बॉडी की हीलिंग पावर को बढ़ाएगा। तो ये छोटा सा दिखने वाला गोंद आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। आपको तो बस इसके लड्डू बनाकर इन्जॉय करना है। ऐसा करने से आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी और आपकी जो मीठा खाने की क्रेविंग होगी वो भी सॉल्व हो जाएगी। लेकिन रुकिए, आप जब भी लड्डू बनाए इसमें प्लीज़ चीनी का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि चीनी आपकी बॉडी के लिए सही नहीं है। चीनी की जगह पर आप खजूर के पाउडर का इस्तेमाल करिए, इससे ये टेस्टी भी बनेंगे और बहुत हेल्दी भी हो जाएंगे। तो ऐसे सभी लोग जिनकी बॉडी में कमजोरी रहती है, बॉडी में थकान रहती है, उन्हें डेफिनेटली इसका सेवन करना चाहिए। आपको पता है ये आपके ब्रेन के लिए भी बहुत अच्छे हैं, इसे खाने से आपका ब्रेन भी एक्टिव रहता है। गोंद का इस्तेमाल डायबिटीज पेशेंट के लिए भी बहुत ही अच्छा माना गया है। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल बैलेंस रहता है और इंसुलिन का सिक्रीशन अच्छे से हो पाता है। देखिए, सर्दियों के टाइम हार्ट अटैक आने के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। यही वो टाइम होता है जब आपकी बॉडी को एक्स्ट्रा पावर की जरूरत होती है। आपको इस तरीके के फूड खाकर बॉडी को एक्स्ट्रा पावर देनी पड़ती है। तो जितने भी आपको फ़ायदे बताए गए हैं, इन सभी के पीछे कंप्लीट साइंस है। देखिए, एक बात याद रखिएगा, इसका नेचर थोड़ा सा गर्म होता है। आप इसका सेवन हमेशा मॉडरेट अमाउंट में ही करिए। तो आई होप आप लोगों को आज के टॉपिक से काफ़ी कुछ नई बातें सीखने को मिली होंगी और आप लोग डेफिनेटली इस गोंद का सेवन करेंगे। सो फ्रेंड, दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक माई सेशन। इफ़ यू रियली लाइक इट, देन प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, हैव अ गुड डे।